ये प्यार चोक नहीं रोग है। I really wish you died that day. हेलो हाय एवरीवन, आई एम एस प्लेयर टुडे जस्ट फॉर सब लॉग इन योर एनिमल एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्टिंग गाइस। तो फाइनली दोस्तों ने आज से एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों एनिमल मूवीज का, जिसमें रणबीर कपूर हैं, उसके बाद रश्मिका मंदिकाना है, बॉबी देओल है, अनिल कपूर है। और गाइज आप लोगों को बता दें कि एडवांस टिकट बुकिंग इतना आग लगा रहा है कि गाइज कि आप लोगों को दिल खुश कर देगा। स्टार्टिंग से ही दोस्तों है ना हिंदी वर्जन में करीबन 5,000 है ना शो चलाए जाएंगे हिंदी वर्जन में। और अभी तक का टिकट बुकिंग की बात किया जाए तो अभी तक में है ना करीबन गाइस 6 करोड़ तक है ना एडवांस टिकट बुकिंग हो चुका है। और अभी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये 4 भाषाओं में भी स्टार्ट हो चुका है आज से, खास करके आज से है ना एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों को बता दें कि जवान हो, पठान हो, या फिर गदर 2 हो, या फिर KGF हो, सारे कह रहे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं गाइस ये एडवांस टिकट की बुकिंग। और इसका है ना जल्द ही है ना प्रीपेड इवेंट शो भी होने जा रहा है जो कि हैदराबाद में हो रहा है। वहाँ पे महेश बाबू हैं और राजा मुराजा बहुत सारे हैं ना वहाँ पे एक्टर आने वाले हैं। तो गाइज यह जो है ना एक तरह की बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश है और ऑडियंस के लिए बहुत ही खुशखबरी है। 1 दिसंबर को यह फिल्म पूरे ऑल इंडिया में लगने जा रहा है। और इसके स्क्रीन की बात किया जाए तो ये है ना करीबन 4,000 से 5,000 स्क्रीन इसके लगाए जाएंगे ऑल इंडिया में, फिर अलग कंट्री में भी गाइज इसका शो चलाया जाएगा। और 250 ओपनिंग होगा मिनिमम, अगर ओपनिंग डे फर्स्ट डे शो करेगा ना 60 से 70 करोड़ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो इसका किरदार है ना गाइज इतनी लाजवाब है ना कि आप लोगों के दोस्त एक तरह को कहा जाए तो जो है ना एक क्रिमिनल जो गुंडे होते हैं उनका किरदार की नज़र आ रहे हैं दोस्तों उसमें। अनिल कपूर की बात किया जाए तो अनिल कपूर वो पिता का किरदार निभा रहे हैं, और रश्मिका मंदिकाना सबसे बेस्ट एक्टिंग अगर लगा होगा ना गाइज तो वो रश्मिका मंदिकाना, जो कि वो इतनी इमोशनल कर देते हैं ना गाइज आप लोगों को दिल खुशी करता है। पति पत्नी का रिश्ता के बीच की जो स्टोरी है वो सारे देखने को मिलता है। उसके बाद ये एनिमल यानी कि रणबीर कपूर के जब उनके पिता पे गोली वार करते हैं तो वो जो डायलॉग है दोस्तों, जिसने भी मेरे पिता पे गोली चलाए सबसे पहले मैं उसका गला काटूंगा, ये डायलॉग और बहुत सारे इसमें है ना डायलॉग आप लोगों को देंगे। और गाना भी गाइस आप लोगों को बता दें गाना भी इतनी अच्छे अच्छे हैं कि आप लोग देखेंगे ना थिएटर में दोस्तों मात्र आप समझ लीजिए 20% ट्रेलर में देखें, और अभी 80% आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। जब आप सिनेमा घरों में जाएंगे ना आप लोगों को दिल खुश कर देगा, इतनी बेहतरीन मूवीज है। पहली बार एक ऐसा मूवीज बना है जो बाहुबली हो, पठान हो, या KGF हो, पुष्पा हो, सारे का सारे रिकॉर्ड है ना इस फिल्म में आप लोग देखेंगे, और सारा रिकॉर्ड इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही नहीं आग लगाने वाला यह फिल्म बनने वाला है। और एडवांस तो बुकिंग स्टार्ट हो चुका है ऐसे गाइज। और आप लोगों को बता दें कि कल इवेंट शो होने वाला है दोस्तों जो कि हैदराबाद में हो रहा है, वहाँ पर एक से एक बॉलीवुड और साउथ एक्टर आने वाले हैं। तो वहाँ भी एक तरह का है ना गाइज इस फिल्म का है ना प्रमोशन के लिए बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ आ रहे हैं, तो वो अलग है गाइज। और ख़ास करके रणबीर कपूर खुद मुंबई में इवेंट शो कर रहे हैं और फिल्म का प्रमोशन जो है ना बहुत ही जोर जोर से चल रहा है। हाल ही में जब ट्रेलर लॉन्च किया गया तो दोस्तों अभी तक ना 45 मिलियंस मात्र 4 से 5 दिन के अंदर 45 मिलियंस व्यूज आना बहुत ही मुश्किल होता है गाइज। और उसका इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि रणबीर कपूर और सब सारे एक्टर हैं ना उसको दिल खुश हो गए, और फिल्म के प्रमोशन में जोरों से चल रहा है। तो आप लोग यदि एडवांस टिकट बुकिंग नहीं किया तो जाके एडवांस टिकट बुकिंग कर लें, क्योंकि टिकट मिलना नामुमकिन है, क्योंकि फिल्म के इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है और कहानी है कि आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग जाइए एडवांस टिकट बुकिंग कीजिए और फिल्म का इंजॉय करिए। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।